गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज है नवरात्रि का आखिरी दिन और मैं सो के उठ चुकी हूँ। अभी हो रहे हैं 9 o'clock। आज था संडे तो इसलिए मैं थोड़ा सा लेट हो चुकी हूँ, तो मैं फटाफट अपने काम ख़त्म कर लेती। फ्रेंड्स, मैं फटाफट सारे बर्तन धो देती हूँ। आज बहुत ज़्यादा काम है, संडे भी है और नवरात्रि भी है, तो आज मुझे बहुत सारे काम हैं, तो मैं सारे काम को फटाफट फिनिश करती हूँ। गए हैं, मैं फटाफट किचन को पोछा मार लूँगी, गैस वगैरह भी साफ़ कर लूँगी, उसके बाद मैं मशीन में कपड़े लगाऊँगी, फिर मैं झाड़ू पोछा करूंगी क्योंकि आज पूजा करनी है। आज एक्चुअली मैं व्रत नहीं हूँ, फिर भी अपने बाल को वॉश करके नहा के मेरे सारे काम ख़त्म हो चुके हैं। मैं नहा के आ चुकी हूँ और ये है मेरा आज का लुक। मैंने ये चुनरी साड़ी डाली है, आप देख सकते हो, और मैंने पूजा कर लिया है, मैंने ये सिंदूर लगाया है भर के, मैंने गोल्ड का अपना मंगलसूत्र डाला है, ये चूड़ा डाला है मैंने, ये मैंने चुनरी साड़ी पहनी है। साड़ी डेली में यूज़ नहीं करती हूँ मैं, और ये मैंने लाइट मेकअप यूज़ किया है, आप देख सकते हो। मुझे सिंपल और प्रिंट वाली साड़ियाँ बहुत पसंद हैं। सुबह से मैंने चाय नहीं पिया था क्योंकि मुझे पूजा करना था, इसलिए तो सारे काम फिनिश करने के बाद, नहाने के बाद ही मैंने पूजा करके ही चाय पिया। अब मैं चाय पीऊँगी और उसके बाद मैं अपने लंच की तैयारी करूँगी क्योंकि आज बहुत ज़्यादा काम था घर में। तो मैं आ चुकी हूँ अपने किचन में, ये मेरे रात के बचे हुए चावल हैं। अगर आपको भी नहीं पता कि रात के बचे हुए चावल वगैरह को कैसे यूज़ करना है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि मैं लंच में बनाने वाली हूँ राइस बॉल। घर में मैं और मेरा बेटा ही है, तो सिर्फ हम दो ही खाने वाले हैं, तो क्या बनाऊँ मैं अब रात को ही हैवी डिनर बनाऊँगी, तो इसलिए मैं राइस बॉल बना रही हूँ। ये मेरे रात के चावल बच गए थे, मोस्टली चावल बच जाते हैं तो लोग फ्राई करके खा लेते हैं दाल से या सब्जी से, लेकिन ये नया क्रिएटिव आइडियाज़ है, आप देख सकते हो। ये चावल है, चावल में मैं शिमला मिर्च बिल्कुल बारीक बारीक काट के डाल रही हूँ, हरी मिर्च और प्याज और नमक, लाल मिर्च पाउडर और ब्रेड के चूरा। अगर आपको ज़्यादा क्रिस्पी खाना है तो आप सूजी भी डाल सकते हो, और बेसन, सारी चीज़ों को ऐड करना है। इसे आपको पानी वगैरह से नहीं इसमें डालना है बिल्कुल भी, क्योंकि राइस जो होता है उसी से ही आपका ये बॉल्स बन जाएगा जब आप उसे हाथों से मैश करोगे। मुझे प्याज बहुत ज़्यादा लग रहा आँखों में, ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनता है और टेस्टी बनता है। आप जितना स्पाइसी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। मैं इसमें एक पूरा प्याज डाल रही हूँ काट के बारीक बारीक, तो मैं इसमें नमक ऐड कर दूँगी।
ओ गलती से लाल मिर्च ज़्यादा गिर गया है तो मैं इसे निकाल दूंगी। एक्चुअली ये लाल मिर्च पाउडर है, बहुत स्पाइसी है तो बेबी नहीं खा पाएगा मेरा। ये है ब्रेड, प्याज, प्याज, लाल लाल मिर्च मिर्च, पाउडर, हरी हरी मिर्च, मिर्च, बेसन, बेसन बेसन और ये है राइस, और ये रात है के बचे हुए चावल। चावल। ये अब है देख चावल, सकते आप हो देख मैं सकते सब हो। सारी चीज़ों को मैं मिक्स सबको करूँगी। मिक्स करने वाली हूँ। आप इन्हें हाथों से ही अच्छी तरीके से मैश करते रहें, ये बिल्कुल एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे। आपको इसमें बिल्कुल भी पानी डालने की ये ज़रूरत मैंने नहीं तेल है, रख दिया है गर्म अगर आप होने के पानी लिए। डालोगे तो ये राइस बॉल खराब हो जाएंगे। अब आप देख सकते हो मैं हाथों में लेके इसे बिल्कुल मैश करके गोल गोल बना रही हूँ। टिक्की बिल्कुल गोल बनना चाहिए बॉल्स की तरह। आप इन्हें हाथों से प्रेस करते जाएं करते जाएं तो ये बिल्कुल गोल हो जाएंगे। ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी बनता है। अगर आप इसे चाहे तो ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हैं, अगर आपके रात के चावल बच जाते हैं तो भी आप इजली इसको ब्रेकफास्ट में या फिर शाम के नाश्ते में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप ट्राई करके देखिए, आपके पास जो भी वेजिटेबल है इसमें डाल के यूज़ करके देखिए। आप बचे हुए चावल से आप कुछ अलग करना चाहते हैं तो आप ये देख सकते हैं यूज़ करके। उसके बाद आप मुझे कमेंट्स करना कि आपको मेरा ये राइस बॉल कैसा लग रहा है। अब मैं इन्हें फटाफट बना लूँगी। आप देख सकते हो कि मैं एक तरफ से मेरे बिल्कुल ये राइस बॉल ब्राउन हो रहे हैं। आप इन्हें धीमी आंच पे ही पकाएं।